रुद्राक्ष प्रिशा को पत्तों का बुके गिफ्ट करता है और अरमान माली की बातें सुन लेता है। जब माली प्रिशा से कहता है कि प्रिशा को फूलों से एलर्जी, तब अरमान चाल चलकर माली ने दी खाना की मुक्ति पंडित से अशुभ कहलाकर प्रिशा के हाथों माली को वापस लौटा देता है और रुद्र के घर के पास फेक एक्सीडेंट करवा कर अरमान रुद्र के घर में ले जाता है ताकि प्रिशा को सब सच लगे और प्रिशा अरमान की बात पर यकीन कर ले। जब अरमान रुद्र के घर में प्रिशा को कान्हा की सेम मूर्ति दिखाकर माली का सच बताता है, प्रिशा और शारदा अरमान की बात मानने से मना कर देते हैं। जब अरमान प्रिशा को सच दिखाने के लिए पुराना मेंशन से चाचा जी को ठाकुर मेंशन कॉल करता है, चाचा जी माली के पास जाकर मूर्ति दिखाने के लिए कहते हैं। अब क्या रुद्र सेम मूर्ति चाचा जी को दिखा पाएगा या फिर अपने ही प्लान में फंस जाएगा? वैसे सीरियल यह चाहते में आज अरमान माली और प्रिशा की बातें सुन लेता है कि प्रिशा को मूर्ति देख कर कुछ याद आ चुका है। तब अरमान रुद्र के घर की सीसीटीवी फुटेज से पता कर लेता है कि माली ने दी कान्हा की मूर्ति और रुद्र ने दी कान्हा की मूर्ति सेम है, इसलिए अरमान पंडित जी की हेल्प से माली ने दी मूर्ति अशुभ कहलाकर उसी मूर्ति के जरिए माली का सच प्रिशा को दिखाने की कोशिश करता है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या होगा आगे। क्या रूई माली का सच प्रिशा के सामने आने से रोक पाएगी या फिर रुद्राक्ष से मूर्ति प्रिशा को दिखा देगा? क्या होगा जब प्रिशा को अरमान का सच पता चल जाएगा? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।